हाथरस में हुए कांड जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, नारायण हरि जो पुलिस कर्मी थे पहले उसमें जो लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन है जिम्मेदार और क्यों एपी सिंह जी वहां पर जाकर कूद गए, आज बात करूंगी इस पे। सबसे पहले जो लोग समाज में गंदगी और अंधविश्वास फैलाते हैं और कुछ लोग उस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा एक समाज सेविका हूँ, हमेशा समाज को गलत चीज़ों से जगाने का काम करती हूँ कि सच को पहचाने और सच की राह पर चलने की कोशिश करें। जो हाथरस में हादसा हुआ है, सबसे पहले कारण उसका अंधविश्वास, क्योंकि लोग इतने अंधभक्ति में लीन नहीं होते। आज 121 लोग सुरक्षित होते, जो वहाँ पे 121 लोगों की जान चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? हम जैसे लोग ना, हम वहाँ पे वो बाबा जो पुलिसकर्मी थे उनके बड़े बड़े राज अब खुलकर सामने आ रहे हैं, अब सामने आ रहे हैं कि बाबा के कितने बड़े बड़े राज थे। लोग सच को वहाँ पे बयान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास में इतने लीन है वो आज भी कह रहे हैं हमारे लोगों की मौत हो गई तो क्या हुआ, बाबा उनको जिंदा कर देंगे। उस पर मैंने पूरा रिसर्च करा, 2-3 दिनों से चीज़ देख रही हूँ, इसलिए मैंने इस पर अभी नहीं बताया। जब तक मैं किसी चीज़ को सही से जान नहीं लेती, उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं देती। एक पुलिसकर्मी अचानक से इतने बड़े ओहदे पे चले जाता है, 21 एकड़ या कई एकड़ का जो फार्म है उस फार्म पर एक आश्रम खोला जाता है, उस ट्रस्ट टाइप का। हम जानते हैं सरकार इस ट्रस्ट को ऐड सेंशन करती, क्योंकि मेरी भी एक एनजीओ, मैं जानती हूँ, हम गवर्नमेंट के ऐड के तहत ही उस पर काम करते हैं। हम जो लोगों को योजनाएं देते हैं तो उस ट्रस्ट के तहत ही देते हैं। ये एक बड़ा स्तर का ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के द्वारा गवर्नमेंट से भी पैसा लेते हैं और आम पब्लिक को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। कितने लोगों की वहाँ अंधभक्ति जुड़ी हुई है, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए वो जाते हैं, उन चरणों की धूल से वो पवित्र अपने घर में सोना पैदा करना चाहते हैं, अपना जीवन में वो सारी खुशियां लाना चाहते हैं। ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, एक इंसान, साधारण सा इंसान, इतना बड़ा अवतार मांग गया तो उसे इतने बड़े आश्रम की क्या जरूरत है? वो लोगों को एक आशीर्वाद देते, उसी से उनका धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन हम जैसे लोगों की अंधभक्ति है, हम एक इंसान को भगवान मान बैठते। हमारे मन के अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला परमात्मा हमारे पवित्र मन पर बैठता है। किसी के लिए गलत सोच मत रखो, किसी के लिए गलत चीज़ें मत करो, परमात्मा खुद देखता है कि यह बंदा सही है, सच के लिए लड़ता। हाँ, परीक्षा है, दुख परेशानी हर इंसान को आता है, उससे लड़ना, उससे जीना, उससे फाइट करना हर इंसान को करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब तकलीफ उससे टूट जाते हैं, परेशानियाँ हमारे ऊपर आती, हम ले लेते हैं बाबाओं का सहारा, सत्संगियों का सहारा, जिसमें हम अपना सब कुछ लुटा बैठते। मैंने वो वीडियोज़ देखी, काफ़ी वीडियोज़ देखी जिसमें कई परिवार टूट चुके हैं, किसी के पिता दुनिया में नहीं रहे, किसी के बच्चे दुनिया में नहीं रहे, किसी की माँ दुनिया में नहीं रही, 121 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। क्या परमात्मा जो वहाँ उनकी चरणों की धूल लेने गए थे, जो दुनिया से चले गए, शक्ति कहाँ है? वो शक्ति क्या उन्हें जीवित नहीं कर सकती थी? बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को आप तक शेयर करना चाहिए। अंधविश्वास इस हद तक मत करिए कि आपके जीवन के लिए मुश्किलें पैदा हो जाए। भक्ति, हम, मैं यहाँ पे भक्ति भाव के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भक्ति करो, अपने उस लेवल तक करो जहाँ तक आपको नुकसान ना पहुँचे। लाखों की संख्या में पब्लिक टूट पड़ती है एक दूसरे पे, उस भीड़ में दबकर 121 लोग दुनिया से चले जाते हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पे बात आती, इन लोगों को बचाने के लिए एक मसीहा टपक पड़ता है, वो है एपी सिंह। एपी सिंह जी को आप जानते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए लड़ते आए हैं, गलत चीज़ों के लिए लड़ते आए हैं, गलत चीज़ों को बढ़ावा देते आए हैं, सच के खिलाफ लड़ते आए हैं। और इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया, पब्लिसिटी की बहुत बड़ी संभावना है, तो एपी सिंह जी कूद जाते हैं। एपी सिंह जी का एक इंटरव्यू देखती हूँ जिसमें वो कहते हैं कि जो विक्टिम है, जो जिसने इतना बड़ा आयोजन किया, तो वो कैसे वो हो सकता है, वो कैसे चीज़ें कर सकता है? मतलब जो निर्भय वाले मामले में एपी सिंह ने लोगों को बचाने की कोशिश की थी, वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने इतना बड़ा आयोजन करा तो कैसे किसी को इतनी बड़ी हादसा पहुँचा सकता है।
यानी कि मैं उनका वकील हूँ। एपी सिंह जी का कहना है कि मुझे वकील हायर किया गया, अब ऊपर वाला जान सकता है, क्योंकि वो तो बिना सोचे समझे अपने आप को वकील 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 कह देते ना, ताकि वो खुद इतने सारे चीज़ों में फंस चुके हैं। सीमा हैदर केस में एपी सिंह फंस चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को उनका वकील बता रहे हैं। एपी सिंह जी, समझ नहीं आता आपका, आप कैसे वकील हो? इतने लोगों की जान चली गई, इतने घर बर्बाद हो गए, फिर भी आज आप गलत लोगों के साथ खड़े हो। तकलीफ होता है कि आप हमारे भारत के वकील हो। एपी सिंह जी का कहना है कि मैं उनका केस लड़ूंगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो भीड़ वहां पे टूट पड़ी उनके चरणों की धूल लेने के लिए, क्या उस पब्लिक का मैनेजमेंट करना उनका अधिकार नहीं बनता था, उनका फर्ज नहीं बनता था? इतने ट्रस्ट से फंड ले रहे हैं, देश विदेश से फंडिंग ले रहे हैं। ट्रस्ट को हर जगह से, देश से तो फंड मिलता है, विदेशों से भी फंड मिलता है, वो ले सकते हैं। जब इतना फंड लेते हैं, क्या उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं कर सकते, उनके नियम नहीं बना सकते? पब्लिक अगर टूट पड़ रही है एक दूसरे पे, उस भगदड़ में किसी की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही व्यक्ति ना। हमारे घर में कोई आता है और उसकी जान चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? सवाल हम पे खड़े होते भाई। अगर आप जिस जगह पे, जिस आयोजन में हो, आपके साथ कोई हादसा घटित होता है, तो उसके जिम्मेदार वहीं के लोग होते हैं। तो जो गुरुजी हैं, जो पुलिस में थे पहले, अचानक से इतने बड़े ट्रस्ट के मालिक बन जाते हैं, कहीं से ऐसी बुद्धि में इनके आता है कि भैया फंडिंग मिलती गवर्नमेंट से, आप ऐसा करो, तो ये लोग अपनी जॉब छोड़ के वहाँ पर चले जाते हैं और बड़े स्तर पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोग नतमस्तक हो जाते हैं, अपने भगवान, अपना खुदा, अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं। यहाँ तक कि एक महिला का मैं इंटरव्यू देख रही थी, जिसकी 9 साल की बच्ची खत्म हो गई। उसका कहना था कि मेरी बेटी मर गई, कोई बात नहीं, उसको बाबा जिंदा कर देंगे। बड़ा तकलीफ हुआ ये चीज़ देख के। आप एक इंसान से उम्मीद करते हो आपका मरा हुआ बच्चा बाबा जिंदा कर देंगे? इतना अंधविश्वास मत पालिए कि आपकी जिंदगियों के लिए तकलीफ बन जाए। एपी सिंह की तो बात थी, क्या करें? एपी सिंह जी ने तो बड़ा ठेका ले लिया, जहाँ पे पॉपुलर मामला होगा, जहाँ पे पब्लिसिटी मिलने की कोशिश होगी, मुझे केस मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिसिटी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सीमा हैदर केस में भी एपी सिंह जी बीच में घुस गए थे, अब इस मामले में भी एपी सिंह ने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी। आगे क्या होता है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल उन लोगों के आत्मा को शांति मिले जिन लोगों ने 121 लोगों ने अपनी जान खो दी। ऊपर वाला परमात्मा उन्हें शांति बख्शे, उनकी आत्मा को शांति दे। बका आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, अंधविश्वास उतना ही करें जितना आपके लिए घातक ना हो, आपके लिए सही हो, उतना ही अंधविश्वास करें। बका भक्ति भाव भगवान अपने घर में पूजे, अपने घर में मनाए, अपने दिल में भगवान के लिए जगह रखिए, और साफ सुथरा मन वैसे ही मंदिर बन जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी दोस्तों मंदिर नहीं जाती हूँ, और जब भी मैं तकलीफ में होती, मुझे परेशानी महसूस होती है, मुझे लगता है किसी एक गरीब ऐसे व्यक्ति का मैं मदद कर दूँ जो वास्तव में उसका हकदार है, तो मुझे लगता है मैं मंदिर जाके आ गई हूँ और मुझे लगता है मेरी पूजा सफल हो गई। परमात्मा खुद देखता है कि आपने सही काम किया, मैं आपके साथ हूँ। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? अपने लिए जाते हैं ना, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, कभी दुखी ही नहीं रहोगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में खुद आपका मंदिर हो जाता है। तो दोस्तों, हाथरस के इस मामले से बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। हमारे देश की जो जनता अभी घायल हुई है, इस पर भी एपी सिंह जी ने कहा है क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी का किया धरा है, किसके सर पे मरते हैं ये तो वही जाने भैया, किसके सर पर ये इसका वो थोपते हैं वो आरोप। बका अब आगे मामला आ रहा है सोशल मीडिया पे, आगे आपको पता चल जाएगा। जरूरी था कि इस पर बात करूं, समाज को थोड़ा सा मैसेज दूं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच लाने की कोशिश करती हूं। उम्मीद करती हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।